हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम पीएचडी एडमिशन, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपका नोटिफिकेशन आया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी में टोटल कितने सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है इस बारी। और आपका इस ईयर किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, कहाँ पर होगा, कितना आपका एलिजिबिलिटी वगैरह, जो भी आपकी नोटिस आई है, उस सारी नोटिस को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर वन एंड फॉर योर पेपर टू हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ, फॉर योर पेपर वन जो कि आपका मेनली रिसर्च मेथडोलॉजी होता है आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। सो पेपर वन रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस भी मिलेंगे, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें आपको वीडियो लेक्चर्स में देखने मिलेंगी। देन नोट्स, काफी शॉर्ट नोट्स है, एंड देन आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर बताया गया है, और कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। देन हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। तो ये सारा जो कंटेंट है हमारा, हम आपको काफी कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं, विद 100% पासिंग गारंटी। यानी हमारे कोर्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम आपको पास करवा देंगे, यानी आपको पास करवाने की गारंटी हमारी होती है, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप पर, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, जिसके लिए लिंक हम आपको नीचे कॉमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखते हैं, आप वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। उसी के साथ साथ फॉर पेपर टू, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उसके लिए भी हम नोट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर ये काफी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, अगेन विद 100% पासिंग गारंटी। ठीक है, तो ये एक्सेस करने के लिए अगेन आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप पर भी डायरेक्टली जाकर पेपर टू, पेपर वन का भी, दोनों भी पेपर्स का आपके स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। अब हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप ऊपर देखोगे, स्क्रोल हो रहा है सीआरईटी पीएचडी 2023 एडमिशन। ठीक है, तो इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जो कि 2 पेजेस का पीडीएफ है। बस यही नोटिस इन्होंने जारी कर रखा है अभी। ठीक है, तो इस नोटिस को हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, इस बार सीआरईटी में आपका 2023 सेशन में टोटल 51 सब्जेक्ट्स आपके होंगे, जो कि आपको इन सब्जेक्ट्स में 1148 सीट्स अवेलेबल है। इसमें से 733 सीट्स जो है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट सेंटर्स, एंड 415 सीट्स जो है कॉन्स्टिट्यूट कॉलेजेस में इलाहाबाद की डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इस तरीके से सीटों को। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेट जेआरएफ कैंडिडेट को पेपर वन एज वेल एज पेपर टू, यानी लेवल वन एज वेल एज लेवल टू सीआरईटी का, ठीक है, उसमें आपको अपियर होना है। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जेम्प्टेड वगैरह नहीं बिलोंग करे जाएंगे, अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो तब भी। ठीक है, देन नोट, टीचर कैंडिडेट कैटेगरी एंड ऑफिसर आर्म फोर्स कैटेगरी आज और आल्सो रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, इनको भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। देन नेक्स्ट, जनरल इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए गए हैं सीआरईटी 2023 एप्लीकेंट्स को। तो यहाँ पर आपको देखना है, एंट्रेंस टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में नहीं, ऑफलाइन मोड में, सिर्फ प्रयागराज में, यानी सिर्फ इलाहाबाद में ही आपका ऑफलाइन मोड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, आपको फॉर्म सबमिट करना है, और फॉर्म स्टार्ट जो होगी आपकी, ये अक्टूबर 26 से स्टार्ट होगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन याद रखिएगा ऑनलाइन है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में, कंफ्यूज नहीं होना है।
स्टार्ट होगा 26 अक्टूबर यानी आज से ही। लेकिन मैं आपको लिंक भी ओपन कर कर दिखाऊंगी, लिंक पर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने डेट तो बता रखी है, तो हो सकता है एक दो दिन से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो, क्योंकि आज ही इन्होंने रिलीज कर दिए तो सर्वर डाउन होता है जनरली, ठीक है। देन लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 15 नवंबर, एंड द लास्ट डेट फॉर फी, आपके फी सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 16 नवंबर, ठीक है। देन यहाँ पर इन्होंने बताया गया है टीचर कैंडिडेट ऑफ अलाहाबाद एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, आर्मी ऑफिसर एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीआरईटी लेवल 1, ठीक है। तो ये सारे कैंडिडेट यहाँ पर एग्जेम्प्टेड होंगे, यानी इनको सीआरईटी का लेवल 1 नहीं देना है, बट दे मस्ट अपियर इन लेवल 2, लेकिन आपको लेवल 2 टेस्ट में अपियर होना है। Then next, all candidate except exempted for level 1 including NET GRF are required to appear in level 1, ठीक है। इन्होंने इस पॉइंट को हाईलाइट करके और इस पॉइंट को क्लियरली बताने का इनका मतलब ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते कि मैम नेट जे आर एफ क्वालिफाइड है फिर भी एग्जाम देना है क्या, तो यस, इस बार अलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आपको नेट जे आर एफ वाले को एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं रखा है। हर बारी रखते हैं ये लोग, लेकिन इस बारी आपको अगर आपने नेट जे आर एफ नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाई कर रखा है तब भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, यानी लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों भी कंपलसरी आपके लिए, ठीक है। देन यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बताया कि वो अपने एडवाइजर से उनको कुछ एप्लीकेशन फॉर्म पर अप्लाई करना है वगैरह, ठीक है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट पॉइंट रीड कर सकते हो। देन 7 पॉइंट, लेवल 1 ऑफ CRET 2023 टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, ठीक है। आपका 2 पेपर होगा CRET 2023 में। पेपर 1 में आपको यानी दोनों पेपर 50 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस जो के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। तो 50 को इन्होंने 25-25 में डिवाइड कर रखा है, तो 25 आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से होंगे, ठीक है, एंड 25 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होंगे। एंड देयर शैल अभी यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। देयर शैल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होने वाली है। और पेपर 2 यहाँ पर आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर 2 शैल बी सब्जेक्टिव विद स्मॉल मीडियम एंड लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर 2 जो है आपका, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट होता है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ स्मॉल क्वेश्चंस, कुछ मीडियम और कुछ लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपको पेपर 2 में को पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोनों पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन जो होगा एंट्रेंस टेस्ट का वो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है। तो 2.5 घंटे का आपका ड्यूरेशन होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। अभी इन्होंने फी बता रखी है 1800 फॉर ओबीसी एंड एससी एसटी की 900 फी, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिंक बता रखी है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है और ये रजिस्ट्रेशन की लिंक है, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करते तो रजिस्ट्रेशन अभी कुछ आपको शो नहीं हो रहा है। और ये इन्होंने यहाँ पर हिंदी में, यहाँ पर इन्होंने नोटिस को हिंदी लैंग्वेज में ही बता रखा है, तो आपको अगर आपको हिंदी में रीड करना है तो आप यहाँ से हिंदी में रीड कर सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में रीड करना है तो यहाँ से आप इस नोटिस को इंग्लिश में भी रीड कर सकते हो। तो इस नोटिस की भी जो लिंक है ये भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है, आप डायरेक्टली इस नोटिस को ओपन कर यहाँ से इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो पेपर 1 है जिसमें 25 क्वेश्चंस जो है आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछा जाएगा, 450 मार्क्स, एंड उसी तरीके से 25 आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक और कुछ लॉन्ग शॉर्ट टाइप मीडियम टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर पेपर 1 रिसर्च मेथडोलॉजी, तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको जल्द से बता दूँ कि पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथडोलॉजी होता है जिससे आपको 25 एमसीक्यूज पूछा जाएगा 450 मार्क्स, ठीक है। तो हम आपको 50 मार्क्स के लिए अच्छी तरीके से हम आपको प्रेपरेशंस प्रोवाइड करते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस हम आपको देते हैं जो कि एक टेस्ट में होना चाहिए। और काफी सारे अलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हमारे काफी सारे बैचेस हो चुके हैं प्रीवियसली,
हम लोगों के 3 इयर्स से कई बैचेस हम रन कर रहे हैं, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे कोर्स के थ्रू उनका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन इस यूनिवर्सिटी का उन्होंने क्वालिफाई करा है। हमारे पास स्टूडेंट्स के जो उनके फीडबैक है वो भी मैसेजेस है, ठीक है। तो सब कुछ हम प्रोवाइड कर हम आपको बता भी देंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक है। और उसी के साथ साथ, जैसे कि मैं यहाँ पर कहती हूँ 100% पासिंग गारंटी, कई स्टूडेंट्स का हमें जो मैसेज आया है उसमें ये भी मैसेज आया कि आपके ही कंटेंट से डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम आपको 100% जो है पासिंग गारंटी के साथ, ये कोर्स हमारा 100% पासिंग गारंटी के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोर्स से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसके लिए आपको अगेन ये व्हाट्सएप हमारा नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें, या फिर डायरेक्टली आप हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप, इस ऐप पर जाकर भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से हम आपको पेपर 2 के भी नोट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं विद लिमिटेड फी, जिसमें अगेन हम आपको पासिंग गारंटी के साथ ये कंटेंट सारा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो जल्द से जल्द आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है, ताकि आपके जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आपके प्रेपरेशन स्टार्ट हो सके। सो स्टूडेंट, दैट्स इट। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।